नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अगले 15 दिनों में सभी जिलों को पूरी तैयारी करने का फरमान जारी किया है। आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि इस बार चुनाव में करीब 1.83 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि एक सप्ताह के भीतर तमाम राज्यों से ईवीएम उपलब्ध करा लें। इसके साथ ही आगामी 15 दिनों के भीतर सभी ईवीएम का फर्स्ट लेवल चेकिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाए। इस दौरान बोलते हुए योगेंद्र राम ने यह भी बताया कि जिन जिलों में अतिरिक्त ईवीएम होंगे वहाँ से उन्हें रीट्रैकिंग किया जाएगा। इन ईवीएम को वैसे जिलों में भेजा जाए जहां कम ईवीएम पहुंच रहे हैं। आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि चुनाव के लिए जो रीट आरक्षित है उसके डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाए, ताकि लोग आसानी से देख सकें कि किस सीट पर किस जाति के लोग आरक्षण निर्धारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में पंच और सरपंच के पद के लिए मतदान बैलेट पेपर के द्वारा कराया जाएगा। इसके लिए करीब 1.5 लाख बैलेट बॉक्स की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जो पंचायत नगर निकाय में समाहित हो गए हैं उनके बूथ और मतदाताओं का पुनर्परीक्षण कार्य जल्द पूरा कर लें। इधर आयोग ने जिलों में 6 पदों के लिए आरक्षण रोस्टर को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। नगर निकायों में पंचायतों के विलय के बाद से पदों का आरक्षण रोस्टर पर पुनर्निर्धारण किया जाना है। पंचायत चुनाव के दौरान 4 पदों के लिए ईवीएम से और 2 पदों के लिए पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट के पेपर से कराया जाना है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 2 लाख कर्मचारी पंचायत चुनाव की मतदान प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। पंचायत चुनाव में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। विधानसभा की ही तरह पंचायत चुनाव में भी मतदान कर्मियों के बीच में कोरोना किट का वितरण किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि प्रत्येक मतदान कर्मी और मतदाता का मास्क पहनना आवश्यक होगा। पहचान क्रम में मतदाताओं को चेहरे से मास्क हटाने का निर्देश दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद मतदान केंद्र पर उत्पन्न न हो। मतदान कर्मी चुनावी ड्यूटी के दौरान ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। मतदान ईवीएम बटन दबाने से पूर्व एक हाथ में ग्लव्स पहनेंगे। इस्तेमाल किए गए हैंड्स ग्लव्स को निर्धारित कूड़ेदान में ही डालेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में मतदान के लिए 14 दस्तावेज ही मान्य होते थे। ग्रामीण मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में 2 अतिरिक्त दस्तावेजों की और पहचान पत्र की तरह बोर्ड के लिए मान्य किया गया है। बिहार पंचायत चुनाव में मतदान के लिए मनरेगा के तहत जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, बैंकों या फिर डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, राज्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र, ड्राइव लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज जैसे कि जमीन का केवाला, आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों और विधायकों को जारी पहचान पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त विकलांगता पहचान पत्र, सशस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट और शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र की मान्यता दी गई है। तो ये थी पंचायत चुनाव को लेकर एक अपडेट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।